कैसे हो आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ रूपाली। जो लोग नए हैं और उनको मैं बता दूँ, मैं हूँ रूपाली और ये जो मेरी चैनल है रूपाली रथ ब्लॉग से मेरी डेली लाइफस्टाइल का चैनल है। मतलब मैं ट्रैवल ब्लॉग दिखाती हूँ, कुकिंग और जो डेली एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो दिखाती हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ, पुरानी वीडियोज़ भी देखिए, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने डाला है फ्रेंड्स। तो आज है सैटरडे 20 फरवरी, अभी बज रहे सुबह की 9। तो मैं बिल्कुल नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और मुझे बाहर भी जाना है कुछ काम के लिए। तो मैं सोची अपना जो ब्लॉग है अभी से स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। आज मैं एक हेल्दी और अच्छी वाली सैंडविच बनाऊँगी, ब्राउन ब्रेड में अच्छी वाली सैंडविच बनाऊँगी, वो तो हम देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए बिलो और चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और फ्रेंड्स मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ रूपाली रथ ब्लॉग्स नाम पे, अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए। और मैं लाइव स्ट्रीमिंग भी करती हूँ फ्रेंड्स शाम के टाइम पे, रोज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी मैं आती हूँ शाम के 7 बजे। तो प्लीज़ आप ना अपना नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि मैं कब लाइव आती हूँ आपको पता चल सके। तो चलिए अभी पहले तो जाके हम ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ किचन में सैंडविच बनाने के लिए, वेज सैंडविच। इसके लिए मैंने प्याज लिया है बारीक काटा हुआ है, कैप्सिकम, टमाटो बारीक काटा हुआ है, थोड़ा सा कैरेट लिया है और कैबेज लिया है। सबको मैंने बारीक बारीक करके, देखिए ऐसे छोटे छोटे करके मैंने काट के लिया है। ये मैं वेज सैंडविच आज बना रही हूँ जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए कैप्सिकम मैंने पूरा बारीक बारीक काट के लिया है और टमाटो भी काट के लिया है बारीक बारीक और प्याज। और उसके बाद हमारे आप कुछ और सब्जी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैंने इतनी ही सब्जी लिया है और कैरेट को काट लिया है और कैबेज को थोड़ा छोटा छोटा करके काट लिया है। अभी कढ़ाई बिठा लेते हैं, थोड़ा सा ही ऑयल डालते हैं उसमें क्योंकि हमको वेजिटेबल्स को थोड़ा पकाना है। और थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल लिया है, ऑयल को गर्म होने के लिए हम थोड़ी देर छोड़ देंगे इसको, ये थोड़ा गर्म हो जाए। उसके बाद हम उसमें प्याज, सबसे पहले प्याज हम डालेंगे। देखिए ऑयल लगभग गर्म हो चुका है तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज डाल दिया है। तो प्याज में थोड़ा सा कैप्सिकम डाला हुआ है और बाकी कैप्सिकम मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा प्याज को मैं यहाँ पे पका रही हूँ देखिए, और थोड़ी देर पकाएंगे उसके बाद जो सब्जियाँ हैं वो डालेंगे। देखिए अभी सारे सब्जी जैसे कि टमाटो, कैरेट, कैप्सिकम, कैबेज और सब कुछ मैंने डाल दिया है और उसको थोड़ी देर हम भुनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा मसाले भी इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिला के इसको अच्छी तरह से हम भुनेंगे। देखिए कलर कितना सुंदर दिख रहा है और बच्चे खाने में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसी तरह से सैंडविच बना के दीजिए, बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे। और यहाँ पे देखिए लगभग मेरा सारे मसाले पक चुके हैं जो सब्जी थे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाल के उसको बना लिया है। स्टफिंग एकदम तैयार है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है और 2 ब्रेड के अंदर मैंने इस तरह से स्टफिंग भर दिया है। और ये सैंडविच है मेकर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया है 2-2, तो इसको थोड़ी देर पकाने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो उसके बाद हमारा सैंडविच जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मेरे सैंडविच इस तरह से निकल के आ गया अंदर से, तो मैं इसी सैंडविच मेकर से बनाती हूँ देखिए इस तरह से। तो काफ़ी इसको आप सॉस के साथ खा सकते हो और काफ़ी टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो यह है आज का हमारा ब्रेकफास्ट वेज सैंडविच, प्लीज़ बना के ट्राई करिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आई हूँ थोड़ा मार्केट और थोड़ा फीस खरीदने के लिए हम निकले थे। आज सोच रही हूँ मैं फीस फ्राई बनाऊँगी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी लंच में। और धूप देखिए कितना, बाहर इतनी ज़ोर से धूप हो रही है तो मतलब बाहर आने को ना सर दर्द हो शुरू हो जाता है, इतनी धूप है और काफ़ी धूप बढ़ गई है आजकल। तो ऐसे ही थोड़ा आए थे, मार्केटिंग का थोड़ी काम था तो अभी ख़त्म करके जा रहे हैं हम वापस घर। फिर मैं दिखाती हूँ आपको मैंने लंच में क्या बनाऊँगी। ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही हूँ, फिश फ्राई बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। आज इतनी धूप में ना खाने को भी मन नहीं करता कभी कभी। और अभी देखिए हम ट्रैफिक में फंस गए हैं
और ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है ट्रैफिक, क्या बोलूँ मैं अभी। और ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है और धूप भी ज़्यादा है, घर से निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो आप मुझे बताइए आपके एरिया में कैसा है, ठंडा है या धूप है या क्या है। तो चलिए घर चलते हैं और लंच बना के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए अभी कितना ट्रैफिक बेंगलोर में बढ़ गया है और धूप तो इतनी है और मैं क्या बोलूँ। ट्रैफिक देखिए आप, इतनी ट्रैफिक, और घर के पास ही हैं हम पर देखिए ट्रैफिक में फंस गए। कुछ भी सामान लाने जाते हैं ना, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, वहीं हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चलिए घर चलते हैं फिर। तो फ्रेंड्स हम तो मार्केट से फिश लेके आ गए हैं और यहाँ पे मैं लंच के लिए जो मछली है उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, नमक, हल्दी, लाल मिर्च डाल के मैरिनेट करके रखा है और थोड़ा सा फिश मसाला ऐड किया है। और आज लंच मेरा सिंपल है और टमाटर को ना जला के मैं इसकी चटनी बनाने वाली हूँ। और आज हम खाने वाले हैं पखाड़। पखल जो होता है वो ना राइस में पानी मिला के खाते हैं, ये हमारे उड़ीसा का अच्छा फेमस डिश है। इसलिए मैंने राइस बनाया है, उसमें मैं पानी मिक्स करूँगी और उसके साथ हम खाएंगे फिश फ्राई और टमाटर की चटनी। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर जो जलाया था उसमें थोड़ा सा नमक, सरसों का तेल और प्याज डाल के चटनी बना दिया है और फिश फ्राई है। और यहाँ पे मैंने राइस लिया है और उसमें मैं पानी मिक्स करूँगी। तो है आज का हमारा लंच। हेलो फ्रेंड्स, तो काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो आज हो गया है संडे फ्रेंड्स, कल सैटरडे से मेरा जो ब्लॉग है वो कंटिन्यू हो रहा है। और कल लंच का तो आपने देख लिया हमने क्या किया, उसके बाद ना मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो संडे का है आज सुबह सुबह इतनी ज़ोर से बारिश, कल भी शाम को बारिश हो रही थी और आज भी बारिश, बहुत बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप बताइए आपकी एरिया में क्या हलचल कैसा है करके। और फ्रेंड्स मैंने कुछ दिनों पहले एक मेरी जो नेफ्यू है, मेरी बहन का बेटा सायम का बर्थडे का ब्लॉग छोड़ा था। तो आप लोगों ने तो बहुत सारे बर्थडे विशेस किए और उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। और सायम ने भी एक वीडियो करके मेरे पास भेजा है उसने, तो वो वीडियो में ऐड कर देती हूँ। उसने आप सभी लोगों को थैंक यू बोला है, तो वो वीडियो भी मैं ऐड कर देती हूँ, तो आप देख सकते हो। चलिए वो वीडियो मैं ऐड करती हूँ, फिर उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स आपने तो देख लिया, सायम ने आप सभी को थैंक यू बोला है और मैं भी तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। और आज संडे है तो मैं सोच रही मैं ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, एंड मैंने कल नहीं कर पाई तो आज मैंने सोचा चलिए ब्लॉग का एंड कर देते हैं। और आपने तो देखा ऐसे छोटा छोटा क्लिप मैंने लिया था और अच्छे से अच्छे ब्लॉग तो मैं बनाने की कोशिश में ही हूँ। और मैं तो शाम के 7 बजे भी मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगी, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, थोड़ी देर बातें करेंगे और एक फैमिली जैसा फील होता है। और आमने सामने हम बातें करते ना, एक फैमिली जैसा फील होता है और अच्छा लगता है। मुझे लगता है यूट्यूब मेरा एक फैमिली है, तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों से बातें करके। प्लीज़ ज्वाइन करिएगा। और आप क्या क्या ब्लॉग देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ आप जानना चाहते हो मेरे बारे में और आप क्या देखना चाहते हो, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। तो आज संडे है, आज बारिश बहुत हो रही थी सुबह मैंगलोर में, थोड़ी थोड़ी बारिश, कल रात को बारिश, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। आज कल जो मैंने फीस लाया था उसमें से ना थोड़ा पीस मैंने रखा था, उसका करी बनाया है मस्टर्ड पेस्ट देके, जिसे हम उड़ीसा में बोलते हैं ना मस्टर्ड करी, उड़ीसा में बहुत फेमस है। तो उसी का करी मैंने बनाया है, चावल बनाया है लंच के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठंड लग रहा है, मैं सोची थोड़ी देर सो जाऊँ। और आज शाम को 7 बजे भी मैं लाइव आऊँगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा और इंस्टा पे भी फॉलो करिए और प्लीज़ सपोर्ट करिए और लाइक करिए। और कुछ आप देखना चाहते हो प्लीज़ बताइए। आप लोग मैसेज नहीं करोगे, नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। और मुझे कुछ चेंजेस करना है वो भी बताइए प्लीज़, तो वो चेंजेस भी मैं कर सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में। आज तो क्लाइमेट देखिए, फिर से बारिश जो है ना शुरू हो गई, फिर से बारिश शुरू हो गई अभी। और आज मुझे बहुत सारे काम थे
मुझे थोड़े से प्लांट भी लाने थे और मैं थोड़ा प्लांट फ्लावर्स को लगाने वाली थी, सोची थी उसकी भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन इतना बारिश, सारे प्लान आज का कैंसिल, आज कुछ भी नहीं हो सकता है इतना बारिश है, और सब कुछ प्लान मेरा कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट संडे जब मैं जाऊंगी नर्सरी फ्लावर प्लांट वो सब लाने के लिए, वो आपके लोग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा, मेरे घर पे कोई भी नहीं है प्लांट्स, तो मैं सोची थोड़ा सा प्लांट्स लगाऊंगी करके, लेकिन आज इतना बारिश और इतना ठंड लग रहा है ना, बस खा के सो जाओ ऐसे ही मन कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए फ्रेंड्स, और कमेंट करें बिलो आप क्या देखना चाहते हो, और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की मुझे भारी मात्रा में ज़रूरत है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तो बाय, टेक केयर एंड लव यू।